तो ये हमारी पालक पनीर बनके हो गए तैयार। फ्रेंड्स इसकी ग्रेवी ना मैंने थोड़ी डिफरेंट टाइप से बनाई है, इसे ट्राई करके जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। तो ये हमारी पालक पनीर बनके हो गए तैयार। फ्रेंड्स इसकी ग्रेवी ना मैंने थोड़ी डिफरेंट टाइप से बनाई है, इसे ट्राई करके जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। तो आज हम बनाते हैं पालक की सब्जी। तो पालक की सब्जी बनाने के लिए मैंने पालक को धो के अच्छे से काट कर लिए हैं। मैंने लिए हैं प्याज, टमाटर को मैंने थोड़े से रोस्ट कर लिए हैं ग्रेवी, क्योंकि इसकी बहुत ही टेस्टी लगती है रोस्टेड टमाटर की। तो अब करते हैं अपना प्रोसेस स्टार्ट। सबसे पहले प्याज को कर लेंगे थोड़ा सा फ्राई। प्याज के साथ साथ मैंने लिया है यहाँ पे अदरक, जीरा, लहसुन, दालचीनी एंड रेड चिली फ्लेक्स। सबसे फर्स्ट हमें इन सारी चीजों को अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। जब हमारे प्याज, सारी जो लहसुन डाले हैं, मिर्च डाली है हमने, ये जब थोड़े से फ्राई हो जाएंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे रोस्टेड टमाटर। साथ ही इसमें अब ऐड कर देंगे हम पालक। अब इसमें ऐड कर देंगे पानी और इसे कम से कम 5 से 10 मिनट तक इसे हम पका लेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे पालक हो गए हैं बॉयल। अब जस्ट इसे ठंडा होने का वेट करेंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे, मिक्सी में हमें इसे अच्छे से पीस लेना है। अब इन सारी चीजों को हमें पेस्ट कर लेना है। फिर करेंगे तेल को गर्म, ऐड कर देंगे जीरा और ऐड कर देंगे हमारे पालक की ग्रेवी। मैंने ऐड किया हल्दी, धनिया, गरम मसाला एंड रेड चिली पाउडर, अगर आप खाते हो तो। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करके इन्हें अच्छे से पका लेंगे। फ्रेंड जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारी ग्रेवी होके बनके हो गई है तैयार। इसमें आपको कितनी ग्रेवी रखनी है इस पेस्ट में, आप उस हिसाब से इसमें पहले वाटर, जब हमारी ग्रेवी बन जाएगी तब आप इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर दे जितनी ग्रेवी आपको चाहिए। ग्रेवी को और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी चीनी। फ्रेंड्स ये हमारी ग्रेवी बन के हो गई है तैयार। अब हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारी है, इसकी पनीर, वो ऐड कर देंगे।